नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। जब से मिस्टर इंडिया 2 के बनने की खबर सामने आई है, तभी से इसे लेकर एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। हाल ही में फिल्म के पहले पार्ट के डायरेक्टर शेखर कपूर ने इस फिल्म से बाहर निकाले जाने का विरोध किया। हाल ही में डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया का रिबूट वर्जन बनाए जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद ही ये फिल्म विवादों में आ गई। दरअसल 1987 में रिलीज हुई ओरिजिनल मिस्टर इंडिया के डायरेक्टर शेखर कपूर का बयान आया कि उनसे इस फिल्म के लिए किसी ने चर्चा तक नहीं की। फिर सोनम ने भी नाराजगी जताई कि इसके लिए उनके पापा और उस फिल्म की लीड हीरो अनिल कपूर से किसी ने पूछा तक नहीं। वहीं अब पूरे मामले पर बोनी कपूर की चुप्पी कुछ अलग ही कहानी बता रही। मिस्टर इंडिया फिल्म में बोनी कपूर जहां फिल्म के प्रोड्यूसर थे, तो उनके छोटे भाई अनिल कपूर फिल्म में लीड एक्टर थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अनिल कपूर इस बात से दुखी हैं कि फिल्म के सीक्वल में उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। कहा जा रहा है कि जी स्टूडियोज और अली अब्बास जफर के कहने पर मिस्टर इंडिया 2 के लिए प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने भी हामी भर दी और इसके लिए उन्होंने अनिल कपूर से कोई बातचीत भी नहीं की। सोर्स के मुताबिक टेक्निकली बोनी कपूर सही है, वो मिस्टर इंडिया फिल्म के प्रोड्यूसर है। उन्हें इस फिल्म के लिए मंजूरी देने के लिए किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं। बोनी के जी स्टूडियोज के साथ अच्छे रिलेशन है, इसलिए उन्होंने फिल्म के सीक्वल के लिए हामी भरी। मगर जब अनिल कपूर को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। वो इस बात से दुखी हैं, वो सिर्फ फिल्म के लीड एक्टर नहीं थे बल्कि फिल्म के प्रोड्यूसर के छोटे भाई भी हैं। हालांकि पब्लिकली अभी तक अनिल कपूर और बोनी कपूर की कोई प्रतिक्रिया फिल्म को लेकर नहीं आई। दोनों इस पर क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ओरिजिनल फिल्म की बात करें तो ये 25 मई 1987 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी लीड रोल में थे। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बोनी और अनिल कब तक इस मामले पर चुप्पी तोड़ते हैं। वैसे आपको बता दें कि मिस्टर इंडिया 2 के लिए रणवीर सिंह का नाम फाइनल बताया जा रहा है। वैसे आप मिस्टर इंडिया 2 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। It has created that kind of magic. Yes. वो पता चल जाता है कि ये जादू हो रहा है, you know. And सबको अपनी फिल्म तो प्यारी होती है जब रिलीज होती है, मगर कहीं ना कहीं एक अंदर से आवाज़ आती है कि यार बात कुछ हो रही है। और मुझे लगा, तो पहली बार जब मैंने स्क्रिप्ट सुना तो सबसे पहले तो मैं कुणाल है नहीं यहाँ, मैं पहले कुणाल का रोल करना चाहता था। आई सेड आई वांट टू डू कुणाल्स रोल, यू नो। अभी मैं उसको कुणाल का रोल कर बोलूँगा क्योंकि कुणाल हैज डन अ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जॉब एंड आई वांट टू डू दैट रोल। बट आई थिंक मोहित एंड लव एंड द एंटायर ऑल ऑफ देम द राइटर्स एंड ऑल वांटेड मी टू डू अगाशेज रोल, दिस अगाशेज रोल। तो मेरा दिल वहाँ था, मगर उन्होंने मुझे बोला कि ये करने के लिए। तो आई वुड थैंक देम दैट दे यू नो कन्विंस्ड मी एंड यू नो समवेयर आई सेड चलो लेट मी गो विद देयर कन्विक्शन एंड डू दिस रोल। सो आई हैव डन दिस रोल एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दिस रोल। आई थिंक इट्स लुकिंग क्वाइट ओके एंड 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 व्हाट एल्स डू आई से। आई वांट टू से समथिंग अबाउट यू नो Aditya and Disha, I think after, you know, बहुत कम मुझे ऐसी आवाज़ आती है किसी एक्टर को, किसी पेयर को, किसी लड़के और किसी लड़की को देखकर। और मैं हमेशा 15 या 20 साल पहले बोलता हूँ, एक इंस्टिंक्ट होता है कि यार कुछ होने वाला है। मुझे लगता है ये फिल्म के बाद आई थिंक आदित्य एंड दिशा आर गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी मेजर स्पेशल and big stars. Thank you, sir. That means a lot. Thank you, sir. And I mean it. I genuinely mean it. I saw मैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कभी कभी होता ना लोग अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए करते हैं। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, यू नो कि वट एवर आई हैव सीन एवरी फ्रेम विच आई हैव सीन, इनको देख के मज़ा आ रहा है। यू नो ऐसा लग रहा है यार काश मैं इतना यंग होता यार। Sir, that's a true sir is competing for the best newcomer award this year also. This year also. You know, काश मेरे पास मैं ऐसे बाइक पे जा रहा होता और काश, you know, ऐसे मैं मजा कर रहा होता, you know, चिल्लम फूंक रहा हूँ और अपना, you know, all this from one high to the other, one high to the other. I said, तुम्हारे लिए ज़िंदगी क्या है? One high to the other, one high. To the other. मेरे लिए तो मेरी ज़िंदगी काम ही रही है, मगर यू नो एवरीबडी रोमांटिसाइज़ ना, सो इन दोनों को देख के मुझे भी आई वांट टू फॉल इन लव यार।
You know, sweet, you know, I'm in love, but I want to fall again. And we can see it in his eyes. You know, look at him. Oh, yeah. That twinkle is there. And it's it definitely, you know, they've done Mohit and they've done Aashiqui, but this is definitely the new age Aashiqui, I feel, you know, somewhere. And as I said, it's been backed and supported by all of us. You know, they are the, you know, in the film, and of course. Mr. Ankur and Love, thank you very much. Great producers. They are the future. You know, we need producers like you know, Ankur and Love. ये मैं genuinely vouch करूँगा. ये अनिल सर ने आपकी पीठ पे मुझे बोला है. देख भाई, इनको छोड़ के जाने मत दे, पकड़ के रखना. इनके साथ तू फिल्म करते रहना हमेशा. तू बना ले एक दो कैब. जैसे मैं आमिर खान को हमेशा बोलता हूँ फोन करके. आमिर खान को जब बोलता है, बोले यार राजू ईरानी को मत छोड़ना तू. जब भी उसकी फिल्म देखता हूँ मैंने बोले इसको मत छोड़ना तू. यू नो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी काम करते हैं लोग तो थोड़ा बहुत एक कहीं ना कहीं एक यू नो अपने अपने में बिजी हो जाते हैं. यू नो, कुछ ये मैंने बनाई है, तूने बनाई है, ऐसा नहीं करना चाहिए. कभी कभी क्या होता है, कुछ टीमें बनती हैं तो उसको पकड़ के रखना चाहिए. यू नो, टीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देर आर सर्टन स्टार्स विच कम टुगेदर टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग. एंड देखो कितने मार्टिन स्कॉर्सेसी, रॉबर्ट डी नीरो, डिकैप्रियो, इन लोग कितनी फिल्में साथ में कर रहे हैं. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि दूसरों के साथ भी काम कर सकते हैं, मगर वो करते रहते हैं. देर इज सम मैजिक. ऑब्वियसली यू हैव टू गो विद द कास्टिंग, बट समवेयर आई फील टीम्स शुड स्टैंड बाई ईच अदर. I think it's always good. And so that's why I told Mohit, and of course now there is the entire team of T-Series. I think they are today the backbone of the film industry. Aur in log jitni tarakki karte hain mujhe khushi hoti hai. Jaise inki Kabir Singh hit hui to maine sabse pehle phone kiya. Maine bola to apna Bhushan ji bolte yaar mujhe to kisi ne phone nahi kiya. You are the first one to call up. Kafi log jealous feel kar rahe hain. Mera nahi yaar. I said, you know, when people, you know, get that kind of success, it's good for the industry. Yes, yes. You know, it's very, very good. So, thank you all of you all. And of course, aap log kitne lucky ho yaar. Har 10 din mein 15 din aap log ko ek naya fresh trailer pehli baar dekhne ko milta. I can see the excitement. I want to be there. You know, I was telling him, I said, kaisa lag raha yaar? Wahan better hai yaar. You know, to witness this, you know, the hard work which we put. You know, and y'all are there to watch it. Y'all are the first people to watch this trailer. Thank you very much, all of y'all, for being here. Thank you so much. Thank you so much, sir. That innocence, that humility, I think that is what makes him Anil Kapoor. Zordar thaliya for him, ladies and gentlemen. I'm really humbled, and I'm, what do I say? It's wonderful to be here, and of course, there is, you know, what happens is, ये जो स्टेज है और कैमरा जो है, कोई भी स्टेज पे जाता है, कैमरा ऑन होता है तो आदमी सब भूल जाता है. क्या है, कौन सी इंजरी है, कुछ समझ नहीं आता है. यू फील एज इफ यू नो यू बॉर्न अगेन. यू फील सो ब्लेस्ड, यू फील सो फॉर्चुनेट दैट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड टू मेक पीपल स्माइल एंड लाफ एंड make them happy, and you get an opportunity to come on stage, perform, go in front of the camera. Kitne hamare se kitne behtar log hain, kitne zyada talented hain, kitne better looking hain. But I think somewhere, I think it's a blessing of God. And of course, you know, being part of this thing, you know, this entire, jaise ki Swachh Bharat, cleanliness, which is such an important thing for all of us. You know, it starts from your home, and then of course where you know your mohalla and your country, and of course the entire universe. We need to clean up everything. You know, we have to have a global atmosphere which is so environmental friendly, and that's the biggest concern today. So I'm honored and privileged that you made me a part of this wonderful novel. Thank you. I must thank you, and I must thank YCOM 18. I have to thank all of you all, all the people, the entire team, and of course you for making me part of this. Thank you so much. No. Thanks, Anil. I think the audience is also very keen to know as to what is it that
you know, of course, you talked about the reason for making it happen for Swachh Bharat. But at a personal level, is there anything which sort of, you know, you want to share with the audience on your association with this entire mission and this concept?